आगामी त्यौहार को देखते हुए चुनार थाने पर की गई पीस मीटिंग की बैठक। आगामी त्यौहार बकरीद को देखते हुए चुनार थाने पर पीस मीटिंग की बैठक संपन्न कराई गई। आपको बता दें, सभी चौकी इंचार्ज तथा कस्बे के लोग इस मीटिंग में उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार चुनार क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पीस मीटिंग संपन्न कराई गई। कहीं साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि आप लोग जिस जगह कुर्बानी होनी है वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक कर दें, जैसे कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना उत्पन्न हो। जिस जगह पर पहले कुर्बानी होती थी उसी जगह पर कुर्बानी हो, खुले में कुर्बानी नहीं की जानी चाहिए। जो जगह पहले से चिन्हित है उन्हीं जगहों पर कुर्बानी की जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही नगर में सम्मानित लव श्रीवास्तव भी उनके द्वारा ज्ञापन नायब तहसीलदार गर्मा यादव को दिया। किला के पास बगल से जो रास्ता गया उस रास्ते को RCC ढलाई के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वहां उपस्थित रहे नायब तहसीलदार गर्मा यादव, चुनार क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, कोतवाल नरेंद्र कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, भरत लाल पांडे, विनोद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार गर्मा यादव आदि लोग मौजूद रहे। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार, ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। वहाँ से जब जाली मस्जिद से है कुछ वो वाली मस्जिद से जो आपके पड़ोस में दरगाह शरीफ हम देख रहे हैं भाई, वो लोग देख रहे हैं। अभी हम रमजानी रोड पर थी, ये भाई उसकी चर्चा आपकी है। दरगाह शरीफ तो मैं नहीं है आपके साथ, वहाँ के सभासद हमारी पत्नी है नसीम बेगम। हाँ, वो पड़ोस वाला जो यहाँ है भरपुर में व्यवस्था होगी उसको समझी जाना मल्ली बात लगता है पाइप हो जाएगा सामने वो जो गोबर ऊपर पाते हैं वो साफ सफाई कंडा उंडा भी रख लिए होंगे। नहीं, वो यहाँ से घुसते हैं तो वहाँ कंडा उंडा रोड में लगा लेते हैं, सड़क को छोड़ लगाना चाहिए। मेन तो वही जगह है, दोबारा तो लगभग अपना चीज तो होती होगी। ईदगाह के बाद समय रहता होगा उन जगह, अलग अलग समय होगा, 7 बजे से लेके 7:45 बजे के बीच लगता होगा समय, 7:15, 7:30, 7:45 होते हैं। 8 बजे के बाद का समय तो नहीं है ना, 9 बजे लास्ट रहेगी सर, 6 बजे 9 बजे लास्ट रहेगी, 9 बजे का ये आपकी दिए ईदगाह बता दीजिए, 9 बजे का होती है जी।